हेलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। आज कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जेई मेन जो 2020 में होने वाला है जनवरी में फर्स्ट मेंस के लिए, अगले महीने से तो फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटजी बताना चाह रहा हूँ इस पेपर के लिए, इस पेपर को कैसे हम क्वालिफाई करें, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से हम 5,000-6,000 रैंक आगे पीछे चले जाते हैं और किसी कॉलेज को मिलने ना मिलने में ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि 100 रैंक भी अगर हम लोग ऊपर नीचे हो जाए तो किसी कॉलेज की अच्छी ब्रांच छूट जाती है और हम किसी लो कॉलेज के किसी और ब्रांच में चले जाते हैं। तो मैं आप लोग को कुछ स्ट्रेटजी बताता हूँ कि इस पेपर के लिए आप लोग क्या करें। पहले तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, 5 मंथ्स बहुत ही कम टाइम होते हैं, यूँ बीत जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग पहले तो फोकस करें, मैं जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बना रहे तो बनाना शुरू करिए। और हमारा ये होना चाहिए कि नंबर आने चाहिए, ये मेंस में मैटर नहीं करता कि मैथ्स में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, टोटल आने चाहिए, चाहे वो जहाँ से आए। और टोटल आने के लिए सबसे ईजी वे होता है केमिस्ट्री। अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में दे रहे हैं तो वो आप लोग को 100% बेनिफिट देगा। मैथ और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जो आप लोग को हेल्प करेगा एग्जाम में, उसको टाइम लेता है, आपका दिमाग उस दिन सही से काम करेगा नहीं करेगा, कंसेप्ट दिमाग में आया नहीं आया। पर केमिस्ट्री में ये सब मैटर नहीं है, अगर आपको आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। तो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने है अगर आप लोग को, तो सबसे पहला हुआ है कि एनसीईआरटी आप लोग पूरा रीड करें, 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी, कोई भी चैप्टर को मिस ना करें, एक एक लाइन रीड करें। क्योंकि मैं इस बार जब मेंस का एग्जाम दिया था तो एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द पीएच ऑफ रेन वाटर, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के हम लोग के सामने मेंस वाले दे दे रहे। तो आप लोग एनसीईआरटी जो है बढ़िया से रीड करें और नोट्स बनाए एनसीईआरटी का, एक एक लाइन को, जैसे मैं बताता हूँ बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स का रीड करें, पॉइंट्स बनाए, पॉइंट स्टार देके पॉइंट्स बनाए, पूरा एक तैयार करके भाई मेरा बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट है। क्योंकि एग्जाम जब पास आएगा तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा कि मैंने कितने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं और कौन से याद है। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो एग्जाम के 3 दिन पहले भी आप जल्दी से देख लेंगे, हाँ भाई ये बायोमोलिक्यूल्स है, ये पॉलीमर्स है, ये अल्कलाइन, मतलब जो भी चैप्टर एनर्जी है सबके आप एक बार रीड कर लोगे, बस 2 मिनट में आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर दें और केमिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें।